हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। हम मलाई से मक्खन निकालते हैं, आपको बताते हैं कि घी कैसे तैयार किया जाता है। सालों साल चलेगा, कभी खराब नहीं होगा। जैसे बताएंगे हम, वैसे आप घी निकाल के बना के तैयार करके रखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने ये मलाई ले रखा है, गाय के दूध की मलाई है। हमने रोजाना निकाल के इसमें हम जोरण डालते हैं, मतलब दही में से इसी में से डाल के उसको जमा देते हैं। फिर उसके बाद हम रोजाना जमा के और इकट्ठा करके रखते हैं और फिर ऐसे ही करके मस के निकालते हैं इसको। घी तैयार करते हैं हम। देखिए, आपके सामने ही इसको हम तैयार कर रहे हैं, आप भी अच्छे से देख लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। पंद्रह मिनट लगेगा। देखिए, जब तक इसमें दाने ना पड़ जाए अच्छे से, ज्वाइंट जब होने लगता है तब इसमें आप पानी डालिएगा। पानी ठंडा होना चाहिए, गर्मी का सीजन है और ठंडी के समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप रखे हुए हैं दही मलाई, तो उसको शाम के समय ही निकाल के बाहर रख दीजिए फ्रिज से। फिर सुबह उसको ऐसे ही आप मथते हुए निकालिए। देखिए, ज्वाइंट हो गया है, ये ढीला भी हो गया है। देखिए कैसे लग गया है, दानेदार दिख रहा है। आपको ऐसे ही अच्छे से चलाना चाहिए कि ये जितनी इसकी मलाई होती है, हम लोग हफ्ते दिन का निकालते हैं कि मलाई अच्छे, जितने अच्छे से आप मसलेंगे, ज्वाइंट मलाई रहेगी सारा, वो टूट जाता है, अच्छे से मक्खन निकल जाता है मलाई से। देखिए, ऐसे करते हुए हमें करना चाहिए। देखिए कितना ढीला हो गया है, आप खुद देखिए, दाने दिख रहे होंगे इसमें, कितने अच्छे से दाने पड़ गए हैं। अब इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे। देखिए, ये हमने ठंडा पानी ले रखा हुआ है। अब हम इसमें ठंडा पानी डाल के इकट्ठा करेंगे इसको। ऐसे ही हिलाते हुए हमें इसको इकट्ठा करना है। देखिए कैसे दिख रहा है, मक्खन निकल चुका है। ऐसे हम हिलाएंगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा। देखिए, हम इसको हाथ से ऐसे कर ले रहे हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए, पकड़ में नहीं आ रहा था, ये लिए हमको हाथ लगाना पड़ा इसमें। देखिए कितने अच्छे तरह से निकल गया है। इसमें का हम देखिए, हमने इकट्ठा कर लिया इसमें का। अब हम ये जो मठा बोला जाता है, अब इसको हम अलग निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। देखिए, हमने मठा निकाल लिया। फिर इसमें हम पानी वापस डाल के ठंडा, अब इसको हम अच्छे से धुल लेते हैं। देखिए, ऐसे हाथों से करते हुए हमें वापस मक्खन को साफ से धुल लेंगे। इसमें का जो भी होगा वो दही का स्वाद अच्छे से निकल जाएगा। ये निकल जाता है तो घी का स्वाद अच्छा लगता है। देखिए, ये अच्छे से हमने कर दिया, इसको भी हम वापस निकाल लेते हैं। देखिए, हमने वापस से इस पानी को भी निकाल लेना है जो हमने पानी अभी डाला था। देखिए कितने अच्छे से साफ हो गया मक्खन हमारा, हम पानी को निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से मक्खन निकल गया है। अब इसको हम चूल्हे पे रखेंगे। हम इसको चूल्हे पे रख देते हैं मक्खन को। देखिए, ये मक्खन है
अब हम चूल्हा ऑन करते हैं, इसको कम पे ही रखना रहता है, तेज पे कर रखेंगे तो ये सही बनेगा नहीं, जल जाएगा। अब इसको हम कम पे रख देंगे, ये गर्म होके पिघल जाएगा। देखिए कैसे गल गया है, थोड़ा सा बचा है, पूरा गल जाना चाहिए। अब इसको हम कम पे ही हमको रखना है, 15 मिनट लगेगा और अच्छे से ये गल जाएगा और घी तैयार हो जाएगा। देखिए कितना तेज उबाल आ रहा है, ये पक रहा है, घी मेरा गल चुका है टोटल। देखिए कैसे हो गया है। अब इसको हम ऐसे ही रख दे रहे हैं, ये पक के तैयार हो जाएगा। देखिए घी बनके तैयार हो गया है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए सुनहरे कलर का इसके नीचे की जो पिकोरी बची हुई हो गई है, गाज उठ रहा है। अब हम चूल्हे को बंद करते हैं, घी बनके तैयार हो गया है। देखिए घी ठंडा हो गया है। देखिए पिकोरी उसके ऐसे ही कलर होना चाहिए, इससे अधिक जलना नहीं चाहिए। अब इसको हम छान लेते हैं। देखिए इसको हमने अच्छे से छान लिया, फिर वापस हम चूल्हे पे इसको रखेंगे। देखिए हमने ये छान लिया, फिर इसको हम चूल्हे पे वापस रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। हम चूल्हा ऑन करते हैं, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तब हम चूल्हे को बंद करेंगे। ये देखिए हमने किकोरी जो बची हुई है इसका हम पराठा बनाकर यूज करेंगे। आप भी इसको फेंकिए मत, इसका पराठा बनता है, पराठा बना के खाइएगा। देखिए हल्का सा चेंज हो जाएगा, उसके बाद से हम चूल्हे को बंद कर देंगे। ऐसे करके रखने से सालों साल घी खराब नहीं होता है, इसलिए ऐसे ही करके फिर वापस ठंडा हो जाएगा तो हम डिब्बे में उसको डाल के रख देंगे, घी खराब नहीं होता है। देखिए थोड़ा गर्म हो गया, अब इसको हम बंद कर देते हैं।